Assalamu alaikum. And the previous video is here and before you. Okay, so from here we left our previous video. Okay, so we will start from this line. In a short story, on the other hand, there is nothing to follow, nothing to look forward to. ओके शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है कि दूसरे हाथ में जैसे उर्दू में अगर हिंदी में अगर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं इस लाइन को कि दूसरे हाथ में शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है कि कुछ भी फॉलो करने के लिए नहीं होता है, कुछ भी देखने को नहीं होता है. ठीक है, द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज़ द एंड. जो एंड होता है शॉर्ट स्टोरी का वो एंड होता है, ख़त्म होता है, वो खुद में ख़त्म कर देती है कहानी को शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, इट इज़ मार्क्ड बाय अ सेंस ऑफ फाइनलिटी ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ डाउटनेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. ओके, तो क्या होता है कि कुछ भी फॉरवर्ड मतलब नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. ठीक है, उसमें कुछ भी पीछे देखने आगे देखने की ज़रूरत नहीं रहती है शॉर्ट स्टोरी में. एंड जो होता है वो शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है, और ये एक सेंस क्रिएट करती है अपने अंदर के फाइनलिटी की तरफ, इख्तिताम की तरफ. डेफिनेटनेस होती है, झंझट से दूर होती है, बिगिनिंग टू एंड तक. ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक क्या होता है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई झंझट नहीं होती. रीडर इज़ रीडिंग एंड द रीडर इज़ ऑल्सो कंटेंट बाय द मीनिंग ऑफ इट्सेल्फ दैट इट इज़ गोइंग टू बी एंड इन इट्सेल्फ. ओके, रीडर इज़ नोइंग दैट फ्रॉम हेयर टू देयर to that line, from this line to that line, it is going to be ended. Okay, and in these lines the meaning is content. You will have to be assured about the meaning during reading the full meaning of the story. Okay, meaningfulness, you will be assured about the meaningfulness. It is self-contained. ये मुश्तमिल मतलब ये मुकम्मल होती है, खुद में मुकम्मल होती है शॉर्ट कहानियाँ, छोटी कहानियाँ. Its compression induces a feeling of expanding into life and awareness of life expanding into our consciousness. Its compression, इसका दबाव जो होता है वो induce करता है. induce के दो मीनिंग होते हैं, induce के एक मीनिंग होता है कि भरना, ठीक है, डालना, या induce का ये मतलब होता है कि हौसला अफजाई करना या बताती है. इसका दबाव, इसका ये क्या होता है कि ये ज़िंदगी के ये ज़िंदगी के एहसास को हमारे अंदर, ज़िंदगी का जो शऊर होता है वो हमारे शऊर में ये शामिल करती है, और ज़िंदगी के अवेयरनेस को हमारे कॉन्शियसनेस में बढ़ाती है. एनलार्जिंग आवर कॉन्शियसनेस, हमारे हसासियत को, हमारे शऊर को बढ़ाती है. ठीक है, उस कहानी को पढ़ते हुए, शॉर्ट स्टोरी की किसी भी एक कहानी को पढ़ते हुए हमारा शऊर जो है वो सत पाता है, यानी कि बढ़ोतरी पाता है. ठीक है, इन दिस सेंस अ शॉर्ट स्टोरी इम्पार्ट्स द सेंस ऑफ अ डिस्कवरी. इस सेंस में शॉर्ट स्टोरी जो है एक इम्पार्ट्स करता है, अलग करता है खुद को सेंस ऑफ अ डिस्कवरी से. ठीक है, वी शैल कंटिन्यू द ग्रेटर डिटेल आवर डिस्कशन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इन द सब सेक्शन टू फॉलो. ठीक है, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे मज़ीद तफसीलात के साथ, मज़ीद वजाहत के साथ, मज़ीद डिटेल के साथ, और जो है इस हमारी जो डिस्कशन है और एलिमेंट्स की शॉर्ट स्टोरी की भी जो डिस्कशन है वो सब सेक्शन को फॉलो करते हुए आगे हम इसको पढ़ेंगे, और इसमें मज़ीद काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए जो प्लॉट्स हैं, कैरेक्टराइजेशंस हैं, नरेटिव टेक्निक्स हैं एंड डिफरेंट अदर एलिमेंट्स भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत है. बाज़ दफ़ा हमें प्लॉट पे नोट लिखने आ जाता है, हमें कैरेक्टराइजेशन पे नोट लिखना आ जाता है, तो उसे हमें अपने जहन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो यूनिट था 1.3 ये समझ में आ गया होगा सबको, और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी फिर से वीडियो बनाने की और फिर से अपलोड करने की, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा. और अगर किसी को भी मेरे नंबर की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे मेरा नंबर भी ले सकते हैं इनबॉक्स में आकर के, इंशाल्लाह ताला आई विल बी हेल्पफुल फॉर दोज हु सीक्स हेल्प and who want to learn something from me or from my books, or and especially for those ignorant students who want me to upload another videos on another MGs like we have in our program, Masters of English program. So I will definitely be there to help them. आज के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह.